हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। अक्सर आप मुझे पंजाब के विलेजेस के अंदर घूमते हुए देखते हैं, लेकिन आज मैं आया हूं सिंध के अंदर। और आज मैं आपको सिंध के खूबसूरत देहात, खूबसूरत ज़मीनें, यहां फसलें कौन सी होती हैं, यहां के लोग कैसे रहते हैं, यहां का कल्चर और ये तमाम चीज़ें मैंने आज आपको दिखानी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट बदीन के अंदर और डिस्ट्रिक्ट बदीन के साथ ही हमारी ज़मीनें हैं। और यहाँ मैं 15 साल के बाद आया हूँ सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए। देख लें हमें व्लॉग बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो सिंध के जो लोग हैं वो बहुत ही मेहमान नवाज और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो मैं आज अपनी बन्नी भी घूमूंगा यहाँ पे ना। जैसे अक्सर पंजाब के अंदर लोग बोलते हैं जी के मैं अपने खेत में जा रहा हूँ, मैं जी अपने ज़मीनों पे जा रहा हूँ, तो सिंध के अंदर जो ज़मीनों को बोलते हैं बन्नी। तो मैं आज अपनी बन्नी घूमूंगा, अपनी ज़मीनें घूमूंगा, वो आपको भी दिखाऊंगा यहाँ पे फसलें कौन सी होती हैं, यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, हमारे हारी जो हैं, मुजेरे हैं, वो यहाँ पे कैसे रहते हैं, वो तमाम चीज़ें मैंने आज आपको दिखानी हैं। तो अक्सर आपने पंजाब के अंदर फसलें देखी होंगी कि कपास और गंदम और चावल वगैरह काश्त होता है, तो यहाँ पर कौन कौन सी फसलें होती हैं वो भी मैंने आपको दिखानी है। हमारी ज़मीन पर कौन कौन सी काश्त की गई हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सिंधियों से सिंधी में गपशप भी लगाएंगे। और यहाँ के अक्सर आप सुनते होंगे कि सिंध में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो मैंने आज आपको ये भी दिखाना है कि यहाँ पे ज़मीनों में पानी किस तरीके से लगाया जाता है, किस टेक्निक के जरिए ज़मीनों के अंदर ये पानी लगाया जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अदा तवाने नाल अच्छा है लखू पान कह रहे हो कोहली आए। अच्छा गाइस, मुझे थोड़ी बहुत सिंधी आती है, मैं कोशिश करता हूँ। 15 साल बाद आए हूँ, 15 साल पहले तो मुझे बहुत सिंधी आती थी, पर मैं थोड़ा सा भाई के साथ गपशप लगाता हूँ। ये हमारे हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले कोहली भील कोहली मतलब जात से इनका ताल्लुक है। ये हमारी ज़मीनों के यानी यहाँ पे रहते हैं, तो इनसे मज़ीद गपशप लगाते हैं। आप अभी पानी लगा रहे हो, क्या कर रहे हो? पानी लगा किसकी ज़मीनों में? ज़मींदार जो नालो छाए नूर मोहम्मद है, पर मुकादवा जमाली वट। अच्छा, मुकादवा जमाली वट, ठीक। ये दोस्त बता रहे हैं कि नूर जमाली की ज़मीन है और जो ठेके पे आगे किसी ने ली हुई है, उनके ये हारी हैं मतलब ज़मीनों को। जैसे हमारे पंजाब में बोलते हैं ना कि मुजेरा है, तो ये हमारे भाई जो है ना हारी। छा नालो है पुट तुझा? जुम्मो नालो बुधाए मुखे चांदो चंदो या चांदो चांदो। अच्छा अच्छा, चांदो नालो है। चलो, स्कूल बन जाओ था तो तमाम स्कूल पढ़ो था ना। कौन पढ़ो? शक्करकंदी जो है आपने बहुत शौक से खाई होगी। तो ये देखें हमारी ज़मीनों के अंदर यहाँ पे जो है हमारे जो हरी भाई हैं वो ये शक्करकंदी जो है यहाँ पे काश्त करते हैं। शायद आपने शक्करकंदी की फसल आज से पहले कभी ना देखी हो, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि शक्करकंदी जो है सिंध की ज़मीनों में कितनी ज़बरदस्त तरीके से काश्त होती है। आलू, गाजर, शक्करकंदी ये ज़मीन के अंदर होती है, तो इनको जो है इस तरह खेलों के ऊपर काश्त किया जाता है। शक्करकंदी जो है वैसे ही आपको पता है सेहत के लिए कितनी मुफीद है, खाने में बहुत लजीज टेस्टी होती है। तो मज़ीद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी ज़मीनों पे और क्या क्या चीज़ काश्त है। सामने आप देख सकते हैं ये गन्ना है। हमारी ज़मीनों में गन्ना, शक्करकंदी, टमाटर, कपास और हरी मिर्ची, ये सबसे ज़्यादा काश्त की जाती है। तो यहाँ पे फसलें कैसी होती हैं मज़ीद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ना सिंध के अंदर इस तरह के पिटर इंजन होते हैं, इस तरह का फट्टा होता है, तो ये इसका फ़ायदा ये होता है, इस फट्टे का ये मूव करता है यानी इस इंजन के ज़रिए। पानी जो है हमारे करीबी नहरें हैं, वहाँ से नहर के ज़रिए पानी आता है यहाँ पे, और यहाँ से इस फट्टे के ज़रिए लिफ्ट किया जाता है पानी को, स्पीड पानी की बढ़ाने के लिए। फिर यहाँ से इस खाले के अंदर पानी को डालते हैं, फिर ये ज़मीनों को सराब करते हैं यहाँ से। तो इस फट्टे का मेन मकसद होता है कि नहर का जो पानी थोड़ा है ना, उसकी स्पीड के ज़रिए उसको ज़रा बढ़ा दिया जाए, पानी की स्पीड बढ़ जाए, और अगर ज़मीनें ऊँची हैं तो ज़मीनों में पानी चढ़ जाए। तो ये इन भाइयों से पूछते हैं। तो भाई जान बताइएगा ये क्या चीज़ है और इसका क्या मकसद है? ये फटो है, शाख से पानी इंदो है, पूरे तां वरी असें बंदियन में लगाई जाई है। अच्छा, ठीक है। ये भाई सिंधी में बता रहे हैं कि ये फट्टा है और नहर से पानी आता है, फिर हम इससे पानी। अब ये उर्दू में आपको बताएंगे, आप भाई आप बताएं उर्दू में ये क्या है? ये क्या है सर? फट्टा है। फट्टा, इसका मकसद क्या होता है? ये पानी चलाने वाला फट्टा। पानी? जी हाँ। तो नहर नीचे है? नहर नीचे है हाँ, ये जमीन में ऊपर है। अच्छा। इसलिए इसको चला के जमीन में, तो इसको स्पीडर इंजन के जरिए चलाते हैं। इंजन के जरिए। तो पहले किसी मैं जब 15 साल पहले मैं आता था, ट्रैक्टर के जरिए भी चलाते थे। जी हाँ, ट्रैक्टर के। तो अब ट्रैक्टर से नहीं चलाते? नहीं, अभी इंजन का सिस्टम बनाया, वो ये सस्ता पड़ता है, वो महंगा पड़ता है। ठीक ठीक, ट्रैक्टर तेल बहुत खाता है। हाँ, ट्रैक्टर का खर्चा ज़्यादा है। तो यानी ये फट्टा हर ज़मीन के लिए यानी कि लाजमी है, और ये परमिशन है गवर्नमेंट की तरफ से, चला सकते हो आप? जी हाँ। इजाज़त है? इजाज़त है। फिर गवर्नमेंट वाले तंग तो नहीं करते कि भाई क्यों चला रहे हो? पहले तो करते थे।
पहले करते थे, अब नहीं करते, सारे चला रहे हैं। अब मैं आपको मिलवाता हूँ अपने कज़न से, नईम भाई से, जो कि हमारे सिंध टूर के जो है ना होस्ट हैं, और ये माशाल्लाह यहीं पे सिंध के अंदर ही पैदा हुए थे, यहीं पले बड़े हैं, और हमारी ज़मीनों की जो है ना बड़ी खूबसूरती से बड़े ज़बरदस्त किस्म के ये एग्रीकल्चरिस्ट हैं और फार्मर हैं, अपनी ज़मीनें बड़े साइंटिफिक तरीके से काश्त करते हैं, तो काफ़ी एक्सपर्ट हैं। उसके साथ साथ माशाल्लाह ये जो है टेक्सटाइल इंजीनियर भी हैं, जॉब भी कर रहे हैं, साथ बिज़नेस भी कर रहे हैं, साथ ज़मीनें भी अपनी जो है ना वो संभाल रहे हैं। तो इनसे इस एरिया के बारे में पूछते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी फसलें होती हैं और क्या क्या उनकी एवरेज है। अगर कपास होती है तो सिंध में उसकी एवरेज कितनी निकलती है, पर एकड़ की एवरेज होती है, उसके साथ साथ यहाँ पे और कौन कौन सी फसलें होती हैं, उनकी कितनी आमदन है, तो यहाँ पे जो किसान हैं वो खुशहाल हैं या नहीं हैं, यहाँ के मसाइल क्या हैं, वो उनसे पूछते हैं। तो ये हैं जी मेरे नईम भाई कज़न और मेरे ताजी के बेटे हैं। तो नईम भाई ज़रा बताएँ यहाँ पर फसलें कौन कौन सी होती हैं। फसलें तो जी माशाल्लाह यहाँ पर इस वक्त मौसम के हिसाब से तकरीबन सारी हो जाती हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कपास लगी हुई है जी। और इसकी पर एकड़ एवरेज भी अच्छी है, और अगर डिज़ीज़ के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर वायरस वगैरह का भी इफ़ेक्ट बहुत कम आता है, तो इसकी पर एकड़ एवरेज जो है डिपेंड करती है कि आप कितनी इस पर स्ट्रगल कर रहे हैं, 30-40 पर एकड़ यानी कि मतलब इसकी एवरेज आ जाती है, इससे भी ज़्यादा एवरेज है वो डिपेंड किया जाता है कि कितनी आपने प्रोग्रेस की है। उसके अलावा हाइब्रिड मिर्च यहाँ पर लगी हुई है, उसकी भी अच्छी पैदावार है, और इसके अलावा गन्ना यहाँ पर काश्त होता था लेकिन पानी की कुछ किल्लत की वजह से लोगों ने उस चीज़ की रेगुलरिटी छोड़ दी है और छोटी फसलों की तरफ उनकी तवज्जो ज़्यादा हो गई है। और इसी तरीके से टमाटर है जो आम मतलब पंजाब को अगर कंसिडर किया जाए तो उससे यहाँ पर वो मतलब यूँ कह सकते हैं कि अगेती फसल यानी कि हो जाती है, और उसकी हमें रेट वगैरह का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो टमाटर भी हमारा इस वक्त अवेलेबल लगा हुआ है। तो जनीम भाई ये बताएं पंजाब की और सिंध की ज़मीनों में क्या डिफरेंस है, आपके ख्याल में पंजाब की ज़मीनें ज़्यादा ज़रखेज़ हैं या सिंध की ज़मीनें? जी ये है कि अपना पंजाब की ज़मीनें थोड़ी सी सिंध से ज़्यादा ज़रखेज़ हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कुछ सिंध के इलाके बहुत अच्छे हैं, वो इक्विवेलेंट टू पंजाब आप कह सकते हैं। जैसे कि ये बिल्कुल जैसे कि आप इस ज़मीन को देख रहे हैं, ये आई थिंक ये इक्विवेलेंट टू पंजाब है। ठीक है, आप इसकी ज़रखेज़ी, इसकी एवरेज हर चीज़ को आप देख लें तो आपको बाकायदा वही चीज़ मिलेगी, लेकिन मोस्टली यहाँ पर जो एरियाज हैं वो कलर वाले हैं, जिसकी वजह से अपना ओवरऑल आप अगर सिंध की परसेंटेज बनाएं तो पंजाब ज़्यादा ज़रखेज़ है, सिंध कम ज़रखेज़ है, तो ये आप डिफरेंस कह सकते हैं। और यहाँ पे सिंध के अंदर अक्सर पानी का बड़ा मसला आ रहा है जी, तो अपने हमारी इस ज़मीन में और हमारे आसपास के जो किसान हैं उनको पानी का मसला भी दरपेश है या ठीक है पानी? ये पानी का मसला यहाँ पर दरपेश था, लेकिन अब कुछ बारिशें जो है वो उनकी पोजीशन काफ़ी बेटर हुई है 2-3 साल से, जिसकी वजह से पानी कुछ मेंटेन हुआ है। और वैसे भी मतलब कुछ हमारी अगर क्यूसी के हवाले से बात की जाए तो मतलब जो है अपना दरियाई सतह पे जो पानी हमारा पीछे से जो फ्लो है पानी का वो पहले से बेटर है 2-3 साल से, जिसकी वजह से आपको ये आबादी हरी भरी जो खेत नज़र आ रहा है इसका बैकग्राउंड ये पानी ही है। अगर ये पानी बेहतर ना होता तो आपको ये फसलें नज़र ना आती। तो ये है कि माशाल्लाह पानी की पोजीशन बेटर है पहले से। बहुत शुक्रिया, मजीद नईम भाई से गपशप चलती रहेगी। आप देख सकते हैं पंजाब में अक्सर लोग कपास काश करते हैं, तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद सिंध में कपास काश नहीं की जाती, तो आप ये देख रहे हैं माशाल्लाह बिल्कुल बीमारी से पाक कितनी ज़बरदस्त कपास की फसल है, और ये एंड हो चुका है मतलब इसकी ना आखिरी चुनाई भी हो चुकी है, तो एवरेज जो है वो यहाँ पर 20-25 एकड़ आ जाती है। आप देख सकते हैं ये पौधे की पोजिशन, इसमें से ना 4 बार कपास की चुनाई हो चुकी है। आगे चलते हैं, आपको टमाटर भी दिखाना, अभी मैंने हरी मिर्ची भी दिखानी है। तो गाइज़ अगर आपका सिंध की ज़मीनों के हवाले से कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन सी फसल यहाँ पे कैसी होती है, क्या एवरेज है, तो वो मैं तमाम डिटेल्स ना आपको बता दूँगा। ये हमारा यहाँ का मेन खल है, वो दूसरा बड़ा जो खल है वो है, क्योंकि उसमें जो है ना नहर से डायरेक्ट पानी उसमें आता है, फिर फट्टे के ज़रिए पानी इस दूसरे खाले में ले आते हैं, फिर यहाँ से पानी को शिफ्ट किया जाता है ज़मीनों के अंदर। कपास इतनी ज़्यादा काश नहीं होती सिंध में, बस थोड़ा बहुत शौकिया काश करते हैं लोग ज़्यादा यहाँ पे। पहले तो जब 15 साल पहले मैं आया था तो मुझे हर तरफ जो ना गन्ने की फसल नज़र आती थी, तो आपको पता है शायद आपने कभी सुना हो कि सिंध में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। आपको पता ही है कि गन्ना जो है वो पानी बहुत ज़्यादा पीता है, वो इस वजह से ना यहाँ के किसान अब गन्ने की फसल को तरजीह नहीं देते, कोशिश करते हैं कि छोटी फसलें काश करें, कम मेहनत कम पानी में ये काश कर सकें। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो मिर्च काश करते हैं, बड़ी मुनाफा बख्श फसल है ये भी, कम वक्त में ज़्यादा फ़ायदा देती है। ये देख सकते हैं आप गोल कलर
गोल मिर्च है, इसका नाम क्या भाई? पता लौंगी मिर्च। इस जो मिर्ची है ना, इसको लौंगी मिर्च बोलते हैं। तो ये फसल भी तकरीबन तैयार होने वाली है, कुछ दिनों बाद इसकी चुनाई शुरू हो जाएगी। हमारी ना ये टोटल यहाँ पे 32 एकड़ ज़मीन है, तो 4-4 एकड़ की ना इस तरह से लाइनें हैं। ये 7 लाइनें जो है ना हमारी ज़मीन में, वो सामने एक दरख्त है ना वो वहाँ तक, ये 7 लाइनें हैं। ये 28 एकड़ इकट्ठे हैं, और जो 4 एकड़ हैं वो हमारे राइट लेफ्ट साइड पे हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पचास मन फी एकड़ की यानी इसकी जो है ना एवरेज आ जाती है, और रेट यहाँ पे 14,000 रुपये फी मन यहाँ पे जो है ना जो मिर्ची का रेट है, और 40 से 50 मन की एवरेज आती है। और इसे मूंगी वाली जो मिर्ची है ना वो बोलते हैं। अब मैं आपको ना हाइब्रिड मिर्च भी दिखाता हूँ, वो ज़रा आगे है। अच्छा, इस मिर्ची को ना लौंगी वाली मिर्ची भी बोलते हैं, और इसे कुंडली वाली मिर्ची भी बोलते हैं। ये सामने जो मिर्ची है ना, ये सारी इसे बोलते हैं हाइब्रिड मिर्च। और ये जो एक पूरी पट्टी है ना, ये वाली है सारी कुंडली वाली या लौंगी वाली मिर्ची बोलते हैं। और मैं आपको हाइब्रिड मिर्च दिखाता हूँ जो हमारे यहाँ पर काश की जाती है। ये है जी हाइब्रिड मिर्च। भाईजान, ये हाइब्रिड मिर्च है, ये आपकी लौंगी मिर्च के मुकाबले में इसकी पैदावार ज़्यादा निकलती है, और आपका जो है अपना यूँ कह लें कि आप 10 से 15 मिनट इसकी एवरेज इससे एक्स्ट्रा है। गाइस, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने टमाटर के एरिया के अंदर। यहाँ पे हमारे यहाँ पे ना टमाटर बहुत ज़्यादा काश किए जाते हैं। अब ये टमाटर आप देख सकते हैं, इस वक्त टमाटर ऑलमोस्ट रेडी है, और ये ठीक 15 दिन के बाद इस कलर चेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा, फिर ये मंडी में जाने के लिए रेडी हो जाएगा। नहीं भाई, अब जरा ना मुझे इस टमाटर की फसल के बारे में बताएं। भाईजान, ये DGC वालों का 1932 के नाम से बीज है, जो कि इस वक्त आपको नज़र आ रहा है लगा हुआ है। 15 दिन के बाद मार्केट में जाने के ये काबिल हो जाएगा, और आई थिंक के बदीन में ये अगर पंजाब और सिंध के हवाले से बात की जाए तो ये आई थिंक एडवांस है। आप और इलाकों के हिसाब से ये पहले मार्केट में आएगा, और इसी वजह से हमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमें रेट के मिलने के चांसेस, कि हम और इलाकों के बनिस्बत इसके रेट के चांसेस हमें हैं कि हमें मिल सकते हैं। टमाटर जो है पंजाब में भी काश किया जाता है, लेकिन सिंध में बड़े लेवल पे अब इसकी काश जारी है, और हमारी ज़मीनों में माशाल्लाह जो टमाटर की फसल है बहुत ज़बरदस्त होती है। और ये मेरे ख्याल कितने एकड़ काश है अपनी टमाटर की? 5 एकड़ के करीब ना, मतलब हर साल हम लोग यहाँ पे काश करते हैं टमाटर। अब टोटल फसलें जो हो गई हैं वो है गन्ना, हरी मिर्च, टमाटर, और इसके साथ कपास, लहसुन, प्याज, और उसके अलावा गवारा सब्ज़ी और टिंडा वगैरह सब्जियां, तो तमाम ही काश होती हैं यहाँ पे। तो अब हमारी इस 32 एकड़ ज़मीन में ऑलमोस्ट सारी फसलें होती हैं। बहुत ज़रखेज़ ज़मीन है ये सिंध की, जिस एरिया में डिस्ट्रिक्ट बदीन के अंदर हमारी ज़मीन है ना, आप देख सकते हैं हर तरफ हरियाली है, और माशाल्लाह मौसम जो है वो पंजाब से भी ज़्यादा गर्मी आज इस वक्त। मैं तो बड़ा खुश था कि यार चोलिस्तान डेजर्ट की वीडियोस बना के ना थक चुके हैं, सिंध चलते हैं, तो सिंध आए तो भाई सिंध में पंजाब से भी ज़्यादा गर्मी इस वक्त है। हालाँकि 10-15 साल पहले जब मैं आया था तब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी, तो आजकल जो है ना पंजाब की तरह सिंध में भी शदीद गर्मी है, और बारिशें भी हो रही हैं, उसके बावजूद हवा नहीं हो रही ना इस वजह से। तो अब आगे चलते हैं, आपको वो फट्टा भी दिखाते हैं फिजिकली चलता हुआ। शकील भाई जो है ना सिंध में पहली बार आए हैं, जरा इसका सिंधी में इंटरव्यू लेके देखते हैं। तो आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं? हाँ, देखते हैं सिंधी भाई तो सिंधी आती कि नहीं। तो घबराने का हीरा हमको गाल बुदे ये बुदा ही मानू छा पे चमनी था क्या हुआ यार, समझ नहीं आई यार। बड़ी आसानी से मैंने बड़े आसान अल्फाज में कहा है कि अदा मुख्य बुदा ही मानू छा पे चमनी। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं आप? देखने समझ आ गई ना, मतलब गाइस परेशान होने की जरूरत नहीं होती, ये जब बोलते हैं ना कुछ ना कुछ समझ आ जाती है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं, बोल ही सकते हैं। बाबा मुख्य सिंधी अच्छे थी हूँ हिता तो ना। आप नीस भाई यहाँ रह चुके ना, तो इसलिए आपको 15 साल हित रहे हूँ मुख्य सिंधी अच्छे थी बाबा। जो 15 सालन का पोए हूँ गलाएं पे सिंधी मुख्य कुछ ना कुछ सिंधी अच्छे थी बाबा। तो कुछ भी कौन था, तुझे अच्छे थी तो मुझे भी अच्छे थी, दुख कुछ भी कौन तो अच्छे बाबा मुख्य अच्छे। तो ये हमारी जमीनों के अंदर गन्ना है, और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त काश है इसकी, फसल बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह से खेल के अंदर गन्ना काश होता है। अभी मतलब थोड़ा अरसा हुआ है इसे काश किए, थोड़े अरसे बाद ये जो गन्ना है ना बहुत मोटा हो जाएगा,
मुझे याद है जब मैं पहले आता था ना 15 साल पहले, तो अपनी ज़मीनों के अंदर से गन्ना निकाल निकाल के हम लोग खाते थे जब छोटे होते थे ना, तो बहुत मीठा। और सिंध का गन्ना क्या ही कहने, खाने में सबसे लजीज ज़बरदस्त टेस्ट है। नहीं भाई, ये कौन सा बीज है ये गन्ने का? भजन, ये वाला जो बीज है ये एक नई वैरायटी आई है ठट्ठा की साइड से। अच्छा, बाकी वैसे खाने में जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो PR के नाम से होता है। अच्छा, अच्छा। और ब्लैक कलर का होता है। अच्छा। और इसके अलावा एक वैरायटी है BL4, उसकी भी एवरेज अच्छी होती है। अच्छा। पर जिस वैरायटी में आप खड़े हुए हैं ये वैरायटी जो है अपना एक नई वैरायटी ठट्ठा साइड की। ठीक ठीक। तो इसको हम प्रैक्टिकल के तौर पे ट्रायल किया है। ठीक है, अच्छा अच्छी मतलब रिस्पांस, अच्छा 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 रिस्पांस है इसका। आप देखें इंशाल्लाह ताला इसकी पर एकड़ प्रोडक्शन क्या बनती है। चले अल्लाह करेगा अच्छी। गैस, ये वो फटा है जिसके ज़रिए पानी की स्पीड को बढ़ाया जाता है। नहर का पानी यहाँ से आता है, ठीक है, यहाँ इस फटे के अंदर आता है। ये सीमेंटेड फटा है, ठीक है, यहाँ से पानी को ये फटा लिफ्ट करता है उस तरफ। मैं दूसरी साइड से आपको दिखाता हूँ। अब ये पानी का जो खाला है वो फुल चल रहा है। उस तरफ से जो पानी आ रहा है वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है। तो इस फट्टे का ये फ़ायदा है, ये फिर पानी की मकदार को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। पानी की हाइट ज़रा ऊपर आ जाती है और इससे फिर जो है ना हमारी यहाँ की जो ज़मीनें हैं वो सहराती है। ये वो जगह है जहाँ पे हमारे ज़मीनों के जो मुजेरे होते हैं ना, जिस सिंध में हारी बोलते हैं, ये उनके लिए जगह बनाई इन्होंने। चारों तरफ जो है दरख्त वगैरह लगा रखी, और ये एक बूटी है, इसको देवी बोलते हैं। इसके कांटे वगैरह होते हैं, ये अमूमन घरों के ज़मीनें होती हैं ना जो सिंध के अंदर, उसके चारों तरफ काश कर देते हैं ताकि लोग कोई क्रॉस ना कर सके। तो यहाँ पर उनका घर भी है, तो हमारे जो मुजेरे हैं हारी हैं वो यहाँ रहते हैं। ये है जी हमारी ज़मीन। उम्मीद करता हूँ कि आज का ब्लॉग और सिंध की ज़मीनें, सिंध की फसलें आपको बहुत पसंद आई होंगी। अभी मेरा सिंध का टूर जारी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।